हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज यार हम फिर से पांचों भाई यहां पर आ चुके हैं, जो कि यार बताया जाता है यह एक बहुत ही भयानक रोड है और ये पास ही में जंगल है। तो हम लोग यहां पर आए हैं और यहां पर बताते हैं कि यहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि यार यहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ये भैया जो है, भाई पीछे समर दिखा यार जो बना हुआ है, ये समर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये रुकते हैं, ये और इनके पिताजी रुकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं, जो कि पास ही में जंगल है वहाँ से। तो आज हम फिर से यहाँ पर पांचों भाई आ चुके हैं। क्यों ना भैया, आगे थोड़ी दूर पे जंगल है यार, और उसी जंगल में हम लोग पांचों लोग जाएंगे, देखेंगे आखिर हम लोग। क्यों भाई, आवाज तुमको मतलब कब सुनाई देती, कल या इससे पहले कभी? मतलब रात के टाइम में भाई को आवाज सुनाई देती, इनके पिता भी इनके साथ में रहते हैं, तो बोलते हैं कि अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो गए थे इधर देखने के लिए, आखिर कहाँ से आवाज आ रही है, तो बोलते हैं कोई लड़की है जो जंगल में दिखाई देती है, और रात के ज्यादा मतलब 10-12 बज गया होगा, तब की बात है, बता रहे थे हमसे। तो उनकी हिम्मत इतनी नहीं हुई उसको पहचानने के लिए जाएं, आखिर वो लड़की है कौन, लड़की है या फिर यहाँ पर क्या करती है। तो सीधे हम लोगों से कॉन्टेक्ट किया, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं भाई, और क्लियर करेंगे आखिर वो लड़की है या फिर कोई आत्मा है या कोई पागल है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना तो हमको जानकारी क्लियर है, ना तो भाई को, ना तो इनके पिताजी को। तो हम लोग जाएंगे उधर और देखेंगे, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं, हमेशा इनको सुनाई देती है रात के टाइम में, वही 10 से 12 के बीच में आवाज़ें आती हैं। और एक दो बार देखने के लिए गए तो उनको वही लड़की दिखाई दी। तो चले ना भाई, चलो यार। तो यार हम लोग इतना रिस्क लेके जा रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को अगर दिखे आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भाई। जाएंगे यार वहाँ पर, ये करेंगे आखिर वो कौन सी चीज है। जंगल यार बहुत ज्यादा यहाँ पर बताया यार। रास्ता एकदम सा सिंपल है और किसी को मतलब ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर कुछ, मगर जो लोग यहाँ पे रात में रुके हैं उनको ही सिर्फ देखिए, वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होकर यहाँ से निकले। तो अगर जो मतलब एक लोगों, चल भाई चल, पहले लोकेशन पर चलते हैं, वहीं पर चलकर देखेंगे। यही रास्ता है क्या? हम लोग यार बस पहुंचने वाले हैं जहां पर से वो लड़की दिखाई देती है। जंगल भाई इस तरफ बहुत ज्यादा हमें लगता है। हम लोग यार फाइनली जंगल में पहुंच चुके हैं जहां पर वो लड़की दिखाई देती है। भाई का कहना है कि ये जो रास्ता जंगल के अंदर की तरफ गया है, यही मतलब इसी के आसपास वो लड़की दिखाई देती है और यहीं से चीखने की आवाजें जाती हैं। तो आज भी शायद हम लोग कितना बज रहा होगा, लगभग 10:30 के आसपास होगा। तो हम लोग यार बस अंदर इंटर करने वाले हैं। आप लोग यार अब वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाएं। हो सकती है अभी तक आप लोगों ने साथ मतलब ऐसा कुछ ना एहसास हुआ तो आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, मगर अब आगे अगर जो रुकना है तो आप लोग दुर्गंध कितनी भैया आ रही है, अजीब सी दुर्गंध आ रही है यार। कोई भी हो तो हमारे सामने आ जाओ। वे है इधर भाई, ये जंगल जो है कितने दूर में है? जंगल यार बहुत दूर, जंगल बहुत बड़ा है, पूरा बबूल का जंगल यार। और हम लोग अभी तक यार तो हम लोगों को कुछ ऐसी चीज दिखाई नहीं दी है जो ओए ओए ओए
भाई पास मत जा यार, अभी भाई तू भी आजा पास आ जा यहाँ पर। भाई क्या कैमरा लेके आते पास में, देखो जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ, जो भी हमारे सामने आओ एक बार, हमें पता है ओए तुम यहीं पे हो। यार अब हम लोग जैसे ही जंगल के अंदर आए कुछ अजीब अजीब सी यार हरकतें होने लगी, इससे एक्टिविटी यार महसूस कर पा रहे हम लोग। और जैसे ही हम लोग जंगल के अंदर एंटर किए हैं अजीब सी यार दुर्गंध आ रही है हम लोगों को, शायद कोई जानवर मरा पड़ा होगा या फिर आप लोग समझ सकते हो ऐसी दुर्गंध कहाँ से आती है। अभी तो लेके आ रहे जंगल यार बहुत बड़ा है, हम लोग ओए ओए क्या यार क्या यार पता नहीं यार क्या यार इतने मतलब जंगल में ना तो कोई हवा है ना तो कुछ, और अजीब अजीब से हरकतें महसूस कर पा रहे हैं हम लोग। यार लकड़ियाँ की आवाज़ है, और तू भी आ जा यार सामने आ जा भाई सामने आ जा यार। वहाँ पे कैसे गया वो, चल यार भाई देखते हैं यार चलते कुछ कैमरे वहाँ पे कैप्चर हो रहा भाई वो कुछ है यार सामने है यार कुछ बैठा ऐसा लग रहा है। इस तरफ से चलते रास्ता जिस तरफ से हो यार के यार आवाज सुन के हम लोग जाएंगे वहां पर कुछ भी यार हो सकता है वहां पर आवाज आ रही है। आगे से यार वो वही लड़की है आगे से भाई भाई कौन हो तुम अरे भाई लगता है लेटी हुई वो देख सामने हम लोग के बिल्कुल सामने आ चुके हैं यही दिखती थी ना वो भाई यार बता रहे हैं यही लड़की थी जो रात के टाइम में रोती है और ये लोगों को दिखाई देती है अजीब अजीब से हरकतें है और आवाजें किया करती है। तो यार क्या हो सकता है यार भाई इसके सामने क्या हुआ होगा जो लड़की यहाँ पर दिखाई देती है। और ये लोग दोस्तों यार जो है ये समर पर बड़ी मुश्किल से रुक पाते हैं रात में लोग चले जाते हैं। ओए संभल के आठ दूर हो गया कुछ बताओगे अबे कर क्या रही जान बिल्कुल कर रही भाई यार तुम्हारी मौत कैसे हुई थी संभल के संभल के हमें लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक भाई है यार। आप कौन है कौन हो तुम बताओगे कुछ कौन है तू यहाँ पे क्या कर रही थी रात में क्यों लोगों को यार पीछे हट जा यार हम डरने वाले नहीं ठीक है जो भी है बता दो तुम आखिर आई कहाँ से हो तुम्हारी मौत कैसे हुई थी आखिर यार कोई भी ये इंसान नहीं यार क्योंकि यार एक्चुअली रात का अभी बज रहा है 10:30 से ज्यादा और इतना घने जंगल में कोई लड़की नहीं आएगी तो ये तो बात क्लियर है क्योंकि जैसे यार भाई ने बताया शैतान है आत्मा है आखिर ये कौन है कोशिश करते हैं इसे पूछने की आओ यार क्लियर कैप्चर करने मत करना भाई चल यार भाई और चलते हैं यार उसके पास देखते हैं आखिर तुम हो कौन कैसे तुम्हारी मौत हुई थी कौन हो आखिर तुम जा रही वो यार जा रही भाई चले यार इसके पीछे चलते देखते क्या कर रही हो तुम इतनी रात में यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता यार देखो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आए आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई थी बस यही बता दो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से कोई चलते यार एक बार चलते और इसके पास चलेंगे यार भाई थोड़ा पास और इसके पूछने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ
पेड़ हिला रही है, इसी की वजह से यार लकड़ियाँ टूट टूट के गिरने लगी थी। जैसे यार अंदर घुसे थे जंगल के, वैसे अजीब अजीब से आवाज आने लगी थी भाई। आखिर तुम यहाँ पे क्यों लोगों को नजर आती हो? वो यार पीछे हट गया, बाहर चेहरा एक बार और चल के देख लेते हैं फिर वापस निकल चलते हैं। रुकना यार भाई, चेहरा बिल्कुल जला हुआ लग रहा है। आखिर यार क्या हुआ होगा यार भाई इसके साथ? एक बार और चल फिर ज्यादा नहीं जाएंगे यार। हम लोग यार एक बार और हम लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं पा रही है और अपनी बात हम लोगों को समझा नहीं पा रही है। दोस्तों आपका भाई यार आप लोगों के लिए यार क्लियर करने जा रहा है। आप लोगों को दिख रहे हैं जूम करके दिखा दिया। क्या हुआ तू तुम्हारे साथ? अजीब सी यार निकल ले यार, लग रहा है यार ठीक भी नहीं है। निकल ले भाई, कैमरे के पीछे आ सब लोग। ये देखो वो चीज एकदम, रुकना यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारी मौत कैसे हुई थी बताओगे? दोस्तों वही लड़की है जो समर वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ पे चीखने की आवाज आती है और आप लोग देख रहे हो कि एकदम जला हुआ बॉडी है इसका पूरा और बाल भी बहुत सारे बिखरे हुए हैं। अगर हम लोग क्लियर नहीं कर पाए आखिर वो है कि कौन सी लड़की, आखिर मौत कैसे हुई थी, क्योंकि उसकी कोई भी बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है। और आप लोग कमेंट करके बताना आखिर इसके साथ में क्या हुआ होगा। चल यार निकल ले भाई यार, कुछ भी हो सकता है। चल यार वो चीज़ अभी गायब हो जा चुकी है। चल पकड़ कैमरा भी। हाँ जा भाई यार, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ। भाई निकलते हैं यार हम लोग। भाई कैमरा लगा पीछे। भाई देख यार चल यार भाई पीछे मत देख यार। बस रुक यार भाई, तो फाइनली हम लोग यार जंगल से बाहर आ चुके हैं और हम और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी वो चीज़ नोटिस की होगी, वो चीज़ देखी होगी जो हम लोगों के सामने थी अभी। अगर जो आप लोगों ने देखी हो यार कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जो भी भाई बहन लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग बताएंगे तो अगली बार फिर से हम आएंगे यहाँ पे क्लियर करेंगे आखिर कौन सी लड़की थी और कैसे उसकी मौत हुई थी। अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुई, अगली वीडियो में जरूर क्लियर हो जाएगी। तो ये देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लोकेशन के साथ में या इसी लोकेशन के साथ में। जय हिंद जय भारत।